Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune double one double one। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। सो आज की जो प्रेडिक्शन होगी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आए जा रहे थे कि मैं आप सबके लिए इस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊं। सो बेसिकली या हियर इट इज़। सो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी। ओके, वो इंसान कौन है, कैसे दिखने वाले हैं, क्या उनका प्रोफेशन होगा, कैसा उनका नेचर होगा, शादी के बाद वो आपको कैसा रखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। तो आज आपको अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस येल्लो स्टोन को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस ब्लैक स्टोन को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस रेडिश स्टोन को चूज़ करना है। ओके, सो ये है, येलो स्टोन इज़ फॉर ए टू जी, ब्लैक स्टोन इज़ फॉर एच टू पी, एंड रेडिश स्टोन इज़ फॉर क्यू टू जेड। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करें। यह है फर्स्ट ग्रुप, यह है सेकेंड ग्रुप, यह है थर्ड ग्रुप, और फिर हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा। उसके साथ साथ सेकंड चैनल में भी ज़रूर जुड़िए, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने में मदद करेगा। सो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है और आपने इस येलो स्क्वाड्स को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, वो इंसान कौन है, बहुत डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स चेक। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have seven of cups. We have nine of wands. We have four of cups. Okay. So देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके जो भी पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, एंड उनके लाइफ में सबसे बड़ा गोल ये होगा कि उन्हें लाइफ में बहुत नाम कमाना है, बहुत कुछ अचीव करना है और उन्हें बहुत बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए। तो दे विल बी वेरी मच यू नो करियर ओरिएंटेड पर्सन, जिनके लिए करियर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, खुद का सक्सेसफुल होना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड दे आर ए ड्रीमर, दे आर ए क्रिएटर। आपको नज़र आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा अपने आइडियाज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी प्रोफेशन भी
बहुत सारी मल्टीपल प्रोफेशंस में वो जुड़े हुए रह सकते हैं, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं बिजनेस भी कर रहे हैं, या अगर बिजनेस में हैं तो वो मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं अलग अलग तरीक़ों के, अलग अलग तरीक़ों के बिजनेसेस के वो ओनर हैं। इस तरीके की एनर्जी आपको आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, एंड हमेशा वो चाहते हैं कि वो कुछ करते रहें, वो बिज़ी रहे। उनको घर बैठना या चिल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ऐसा चाहिए कि मुझे संडे को भी काम करवाओ कोई, मुझे संडे भी काम करना है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा बहुत अपने चिलिंग के लिए टाइम निकालता हूँ या निकालती हूँ तो दैट इज़ फाइन, बट मुझे पूरा पूरा दिन आराम नहीं करना है। आपके पर्सन की माइंड सेट ऐसी होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हालांकि बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, बट स्टिल वो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे। उनको ऐसा फील होगा, उनको हमेशा यू नो चीज़ें सताती रहती हैं कि उनके लव लाइफ में उनके लवर उनके लिए लॉयल रहेंगे या नहीं, ओके उनका करियर ज़िंदगी भर इसी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उनके फैमिली उनको हमेशा सपोर्ट करेंगी या नहीं। तो ऑल दो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट बीइंग एंड बाहर से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड यू नो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बट अंदर से वो खुद डर में रहते हैं, उनको हमेशा भविष्य की चिंता होती है। तो जब आपकी शादी इनके साथ होगी, हो सकता है आपको इस इंसान को अश्योरेंस बहुत बार देना पड़े, बहुत बार इस इंसान को संभालना पड़े, या बार बार इन्हें याद दिलाना पड़े कि आप उनके साथ हो और आप उनके साथ ही रहोगे, और जब आप उनके साथ हो तब उनके साथ सब कुछ सही होगा, या फिर आप दोनों मिलके सब कुछ संभाल लोगे। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपने डर में अपने इनसिक्योरिटी में खुद ही जिएंगे, वो आपको शेयर नहीं करने आएंगे या आपको यू नो जताएंगे तक नहीं, या फिर आपको भापने तक नहीं देंगे कि उनके मन में टेंशन चल रही है या ओवरथिंक कर रहे हैं या कुछ उन्हें लग रहा है आपके ऊपर डाउट हो रहा है या अपने करियर को लेकर टेंशन है। तो आपको इनको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा मेंटल लेवल पर। ये आपकी सारी सारा का सारा ख्याल रखेंगे, लेकिन मेंटल लेवल पर जब बात आएगी तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा इन्हें पैम्पर करना पड़ेगा, और मेंटली बार बार आपको इन्हें रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि यू आर देयर फॉर देम, ठीक है। ओके विद द फोर ऑफ कप्स, मुझे यह नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जब आपसे मिलेंगे तब उन्हें प्यार की बहुत ज़्यादा तलाश होगी, ठीक है। मतलब जब आपसे फर्स्ट टाइम वो देखेंगे, आपको मीट करेंगे, तो उनके दिमाग में यही घूमेगा कि उन्हें अब प्यार चाहिए, उन्हें लव लाइफ में कुछ सेटलमेंट चाहिए या एक सीरियस लवर चाहिए, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सामने से आकर आपको अप्रोच करने के चांसेस बहुत हैं, कि ये सामने से आकर खुद आपको डेटिंग के लिए या न्यू रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके टूवर्ड्स इंटरेस्टेड वो शो करें, एंड जब वो शो करेंगे तो वो अपने इंटेंशंस को ऑलरेडी फिक्स कर लेंगे कि ये आपको प्रपोज करेंगे, एंड इनकेस इफ़ यू अग्री, अगर आप उन्हें अपनाते हो उनके प्रपोजल को, तो वो आपके साथ ही पूरा भविष्य देखना शुरू कर देंगे, आपके साथ शादी वगैरह भी कर लेंगे। तो बहुत सीरियसनेस के साथ ये पर्सन एंटर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों पहले फ्रेंड्स हो या कैजुअली चीज़ें चल रही हैं एंड देन फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। स्टार्टिंग से ही ये पर्सन अपना इंटेंशन फिक्स करके आएंगे कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, आप इन्हें अच्छे लग रहे हो और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, उस इंटेंशन से ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड देन मुझे दिख रहा है कि चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी, फिर आपकी लॉन्ग टर्म में डेटिंग हो सकती है, 5-6 साल डेट करने के बाद मैरिज पॉसिबल हो सकती है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। ओह माई गॉड गाइज, ओह माई गॉड, वाओ, डोंट टू वैल्यू, माई गुडनेस गाइज, आपकी तो लॉटरी लगी हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। ये कोई शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा यहाँ पर रियल रीडिंग प्रेडिक्शन हो रहा है। सो पाइल नंबर 1, यू आर वेरी मच लकी बिकॉज इस पर्सन की लव लैंग्वेज आप लोग एक बार देख लीजिए। ओह माई गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, ओके बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, लाइक दिल अपना बाहर निकाल के ये इंसान आपको दे देंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस रहेंगे ही नहीं, बिकॉज कुछ एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे उससे पहले ही ये इंसान उस चीज़ को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी लव लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में,
वो हर एक लव लैंग्वेज आपको एक एक टाइम पे इस इंसान से मिलेगा। कभी आपको दिखेगा कि ये आपके लिए पोएम लिख रहे हैं, कभी आपके लिए पेंटिंग कर रहे हैं, कभी आपको आपके साथ बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, कभी फिज़िकल टच के थ्रू अपना लव आपको शो करना चाह रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, प्रीशियस चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, कभी आपके विशेस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आपके खुशियों के बारे में ध्यान रख रहे हैं। तो तरह तरह के लव लैंग्वेज आपको इस इंसान से मिल जाएंगे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच लविंग एंड दे नो कि 100% तरीके से प्यार कैसे किया जा सकता है। तो दिस पर्सन विल बी वेरी मच एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी मच एक्सप्रेसिव, चाहे कोई भी जेंडर आप ले लीजिए, ये पर्सन बहुत ही एक्सप्रेसिव होंगे। एंड उसके साथ साथ ये पर्सन आपको वो वैल्यू देंगे जो वैल्यू वो अपने लिए रखते हैं, जो रेस्पेक्ट वो अपने लिए रखते हैं, वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो पोजीशन आपको ये पर्सन अपने ज़िंदगी में देंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई एक बहुत कमाता होगा तो कोई एक बहुत नॉर्मली कमाता होगा। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं नॉर्मली कह रही हूँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या फैमिली में बहुत डिफरेंसेस, कोई बहुत ख़ानदानी फैमिली से है तो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसी एनर्जीज हो सकती है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये इंसान को जो रेस्पेक्ट मिली है दुनिया से, सोसाइटी से, फैमिली से, जो रेस्पेक्ट इनको अपने फैमिली में मिलती है, जो रेस्पेक्ट इनको इनके फैमिली को मिलती है, वो सारी रेस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस, वो पोजीशन ये पर्सन आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे एंड देंगे भी। ये चाहेंगे कि जो लोग इन्हें, इनके साथ जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके साथ भी उस सेम रेस्पेक्ट, सेम लव से बिहेव करें। सो दे विल मेक श्योर कि आपको कभी भी एडजस्टमेंट फील ना हो, आपको कभी भी कमज़ोर फील ना हो इनके सामने, आपको कभी फील ना हो कि आप इन्फीरियर हो या ये इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है। ये हमेशा इक्वालिटी बनाकर रखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं पावर में फील कर रहा हूँ तो मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है उसको भी ये पावर फील होनी चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। मेरे लिए उसे प्राउड फील होना है, ना कि इनसिक्योर कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है या कर रही है, या इसको ज़्यादा इज्जत मिल रही है, मुझे तो नहीं मिल रही। तो दे विल मेक श्योर कि आप और वो एक ही बने रहो, ठीक है। जब जब आप कहीं जाओ तो उनको इज्जत मिले, जब जब वो कहीं जाए तो आपको इज्जत मिले, भले आप दोनों फिजिकली साथ में प्रेजेंस हो या ना हो। सो दिस पर्सन इज़ अ हाई वैल्यूड वुमन और हाई वैल्यूड मैन। दे नो किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इंसान को कैसे समझना चाहिए, इंसान की कैसे कद्र करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कद्र करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से नसीब होता है। सो आपको ये नसीब हो रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग गाइस, आई मीन मेरा रीडिंग करते करते मुझे इस पर्सन पे प्यार आ रहा है, तो समझ लीजिए ये तो आपके जीवन साथी होंगे, ओके। ओ माई गॉड, इट्स रियली रियली गुड फीलिंग है। सो इस पर्सन की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत डीप आइज, लाइक इतनी खूबसूरत आइज कि आप इनके आँखों में डूब जाओगे, यानी कोई भी डूब जाता है इनके आँखों में, ठीक है, तो आप तो डूबोगे ही, ओके। एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इनके बॉडी में हेयर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, लाइक बॉडी हेयर, फेशियल हेयर्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, नो मैटर जेंडर कुछ भी हो, लाइक हेयर की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होगी, थिक होगा, ठीक है। इनके सर में बाल भी बहुत घने होंगे, अगर ये मेल होंगे तो थोड़े से लंबे हेयर से रखते होंगे, मुस्टैच रखते होंगे, बियर्ड रखते होंगे, अगर ये फीमेल होंगी तो मुझे लगता है कि इनके लॉन्ग हेयर्स होंगे, ओके। एंड इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर, मुझे मीडियम टू फेयर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत गोल्डन, ग्लोइंग येलो अंडरटोन, ग्लोइंग स्किन एंड बहुत क्लीन फेस, ठीक है, ज़्यादा पिंपल्स या ज़्यादा स्कार्स वगैरह इनके बॉडी में, इनके फेस में नहीं होगा। कलर्ड हेयर्स इनको बहुत पसंद होंगे, ब्राउन कलर, ब्लॉन्ड कलर, ऐसे उनके कलर्ड हेयर्स रहेंगे जब आप इनसे मिलोगे। इनको बहुत ज़्यादा यू नो ग्रीन, ब्राउन, पेस्टल कलर्स, ये सब वेयर करना पसंद होगा। इनको ज़्यादा डीप डीप कलर्स पसंद नहीं है, जैसे कि कपड़ों में पहनना ब्लू, डीप 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 रेड, डीप पिंक, मतलब ज़्यादा डीप डीप पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। ऑल्दो इनको बहुत कुछ सूट करता है, बट स्टिल दे नहीं करते। इनके हैंड्स में विजिबल वेन्स होंगे, ठीक है, मतलब इनके जो नसें हैं वो आपको इस एरिया पार्ट में बहुत विजिबली दिखेंगे, बाकी बॉडी पार्ट में भी दिख सकते हैं, बट इस पार्ट में खास तौर पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ, हैंड्स इनके बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है, और यू नो चांसेस रहेंगे कि फर्स्ट टाइम जब भी आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो, उस टाइम से ही आप दोनों की सोल कनेक्ट कर जाए, और आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में क्योंकि मुझे दिख रहे हो, ओके। सो चलिए अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के।
आगे आने वाले रीडिंग्स में मैं देखूंगी पूरे तरीके से कि आपकी मैरिज वगैरह कब होगी, शादी का दिन कैसा होगा, सब कुछ वो अलग प्रेडिक्शन में करेंगे। आज हम देख रहे हैं आपकी शादी किससे होगी बेसिकली, ठीक है। और शादी के बाद तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपको प्यार से रखेंगे, ओके। और कुछ ओके, लेट्स चेक। तो अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, ये है एम, लेटर्स देख लेते हैं बेसिकली, नॉट अल्फ़ाबेट। वी हैव एच, वी हैव डब्लू, वन बाय वन चेक करते हैं, यहाँ पे रखते हैं देन चेक करते हैं। वी हैव डब्लू, वी हैव एच, वी हैव एम, we have G, we have Z, we have K, we have P, we have V। तो ये कुछ letters हैं जो उनके name के initial, इनके surname का first letter possible है, या जिस city में वो रहते हैं उस city का first letter है, ठीक है। तो ये लेटर सिग्निफिकेंट डेफिनेटली होंगे, तो इन लेटर को आप लिख कर भी रख सकते हो ताकि आपको याद रहे, या फिर बाद में आप कनेक्ट कर पाओ अगर आप किसी से मिल रहे हो तो, ठीक है। या अभी आपके लाइफ में कोई है तो उनके साथ भी आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। बट ये जनरल रीडिंग है, बट स्टिल ये लेटर ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रखेंगे। अब देख लेते हैं, प्रो प्लेयर और ड्रीमर, तो ये पर्सन प्रोफेशनली एथलीट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या इनको ऑनलाइन गेमिंग का शौक़ हो सकता है, हो गेम खेलना पसंद हो। सबके लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बट स्टिल। रिलीजियस, मीडियम हाइट, प्राउड, वेल मैनर्ड, ये पर्सन बहुत ही श्रद्धालु इंसान होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, हाइट इनकी मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा प्राउड इंसान होंगे बिकॉज इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ करा होगा, और वेल मैनर्ड, वेल बिहेव पर्सन होंगे, ठीक है। योर ट्रू लवर, आपके सच्चे प्रेमी होंगे ये इंसान, आपको कभी इन पे शक नहीं होगा। लव्स टू सिंग, ये बहुत अच्छा गाते होंगे, इनकी वॉइस बहुत प्यारी एंड अट्रैक्टिव होगी। लव्स टू वॉच सीरीज़, बहुत सीरीज़ देखते होंगे, बिंज वॉचिंग करते होंगे, टर्किश ड्रामा, के ड्रामा, या हिंदी ड्रामास, या कोई भी और भी वेब सीरीज़ आती हैं बहुत सारी, उन सारी चीज़ों को इनको देखना, मूवी लवर, सीरीज़ लवर बहुत है, ठीक है। तो फ्री टाइम में ये ज़्यादातर अपने आप अपने कंपनी में रहना प्रेफर करते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है, सो देख लेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन होंगे आपके जीवन साथी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। किसी भी तरीके के सर्विसेज के लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडी गिवन है, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। सो यहाँ मैंने इसे प्लेस कर दिया, सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले है वी हैव फोर ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वाओ, ओके गाइस, सो लेट्स चेक कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन होंगे आपके जीवन साथी, हस्बैंड या वाइफ। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअली हो, बिलीफ सिस्टम मुझे दिख रहा है कि ये एकदम
डाइव इन कर चुके होंगे स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ पे बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना बहुत सालों से, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, इन सब का इनका बहुत इंटरेस्टेड होगा. तो दे आर स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन. उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव ये पर्सन, किसी भी तरीके के कंटेंट राइटर, किसी भी तरीके के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, या पैशन की वजह से भी हो सकता है कि आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्रिएटिव फील्ड से एंड कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े होंगे. ठीक है, इस पर्सन का प्रोफेशन मेनली मुझे दिख रहा है क्रिएटिव फील्ड या कम्युनिकेशन फील्ड. अब कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत कुछ आता है, सिर्फ जॉब ही नहीं, बिजनेस भी आते हैं. तो कम्युनिकेशन फील्ड एंड क्रिएटिव फील्ड दोनों में से किसी एक फील्ड में ये डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे, या फिर दोनों के कम्बाइंड फील्ड में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. इट विल डिपेंड. ओके, बट मुझे यह नज़र आ रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी क्लियर इन लाइफ, क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए लाइफ में. आप दोनों के बीच में एज गैप होगा. ठीक है, ये पर्सन जनरली मुझे आपसे बड़े नज़र आए. अगर ये फीमेल होंगी तो आपसे छोटी होंगी, चांसेस दिख रहे हैं. अगर ये मेल होंगे तो आपसे एज में बड़े होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, वेरी वेरी वाइज एंड वेरी वेरी यू नो ऐसे इंसान हैं कि ये इंसान आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके करियर में भी. ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो दे विल ट्राई टू बी योर प्रोवाइडर. ये पर्सन को आप कुछ भी बोलोगे, ये इंसान उस चीज़ को आपके कदमों पे लाकर हाजिर कर देंगे, चाहे उसे वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके करियर में ये बहुत मदद करेंगे, और इनके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट प्रेजेंस के वजह से, कॉन्ट्रीब्यूशन के वजह से आप लाइफ में बहुत तरक्की करने वाले हो. ग्रुप नंबर टू, ठीक है, तो शादी के पहले से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करें और आप इनके वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत लाइफ में आगे बढ़ पाओ. ओके, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे आर वेरी क्लियर इन कम्युनिकेशन. इनकी मर्क्यूरी जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होगी, तो लोगों से बहुत अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, लोगों को इम्प्रेस कर लेना, इनके यू नो इनके लिए कप ऑफ टी होगा, बहुत सारे इनके यू नो कॉन्टैक्ट्स होंगे, इनके बहुत फ्रेंड सर्कल इनके बड़े हो सकते हैं. ऑल्दो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा घूमने में, क्लबिंग पार्टीज़ करने में बिलीव नहीं रखते हैं, बट फ्रेंड सर्कल लाइक जान पहचान इनकी बहुत दूर दूर तक की होगी. कोई फेमस पर्सनालिटी मुझे ये नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सो ये कोई भी इंसान है जो कि VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सोसाइटी में बहुत नाम है इनका, यू नो बहुत रुतबा है, बहुत पावर है, बट दे आर वेरी मच स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन. ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है. ये पर्सन टॉरस या कैप्रिकॉर्न, इनकी एनर्जी इनके लग्न चार्ट में होने के चांसेस हैं. इनकी राइजिंग साइन बेसिकली कैप्रिकॉर्न या टॉरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है. ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के पास सब कुछ होगा, सब कुछ होने के बाद भी दे लीड अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल ही रहते हैं, कोई घमंड नहीं है. ठीक है, या किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बहुत आराम से रहने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर सेल्फ मेड पर्सन ऑल्सो. ये चीज़ दिख रहा है कि जो भी इन्होंने लाइफ में कमाया होगा, खुद अपने बलबूते पे कमाया होगा. ठीक है, अपने मेहनत से कमाया होगा, अपने स्ट्रगल से कमाया होगा. ठीक है, लेकिन आपसे बहुत डिफरेंट माइंडसेट के भी होंगे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपको यहाँ पर पता चला है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल है, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों इंसान अगर स्पिरिचुअल है तो वो दोनों सेम माइंडसेट रख रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी के भी अलग अलग ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. सो ऑल्दो ये पर्सन और आप हो सकते हैं दोनों ही रिलीजियस स्पिरिचुअल हो, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे. आप दोनों के डिबेट्स होने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं एंड ये भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है. कुछ भी टॉक्सिक नहीं होगा, बट यस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत स्ट्रांग बीइंग्स हो और दोनों यू नो आओगे साथ में. सो एक वेल बैलेंस्ड, एक परफेक्ट मैच तो होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आप उनको उनकी बातों को नहीं मानना चाहोगे एंड वो आपकी बातों को नहीं मानना चाहेंगे. सो डिफरेंसेस विल बी देयर. आप इन हो तो वो यांग है, आप वाइट कलर हो तो वो ब्लैक कलर है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, बट मेड फॉर ईच अदर. ठीक है, डेस्टिन्ड लव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं. बहुत ही फेमस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये काम करते होंगे, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बट स्टिल दे आर वेरी वेल नोन, वेरी रेस्पेक्टेड, एंड इनके पास पावर, अथॉरिटी सब है. ओके, वी हैव द गार्डन एट द गेट नंबर 30. वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13. ओ माई गॉड. ओके, सो इस पर्सन की लव लैंग्वेज क्या होगी बेसिकली, शादी के बाद आपके साथ कैसे रहेंगे, क्या कैसा बर्ताव करेंगे,
ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन आपके प्रति पूरे तरीके से मेस्मराइज्ड रहेंगे, लाइक आपके लिए लट्टू रहेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आप करोगे, जैसे भी आप रहोगे, इन्हें आप बहुत पसंद होगे, ठीक है। इनको बस अच्छा लगेगा कि ये इंसान आपको देखते ही रहें, जब भी आप यू नो हो सकता है कि आप नींद से उठ रहे हो, अपने बाल बना रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा के बाहर आ रहे हो, मेकअप कर रहे हो या रेडी हो रहे हो कहीं जाने के लिए, तो बस ट्राई करेंगे ना कि उनको थोड़ा पहले ही वो रेडी हो जाए आपसे, ताकि वो बैठ के आपको निहार सके, देख सके, ठीक है। सो उनकी आँखों से आपको पता चलेगा कि दे आर टोटली इन लव विथ यू। वो आपसे बिना कुछ कहे बस आपको किसी भी तरीके से महसूस करवा देंगे। मतलब उनके साथ रहकर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे एफर्ट्स चाहिए, या मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे दिखाओ कि यू आर फॉर मी। उनके रहने से ही आपको अलग सी सुकून मिलेगी, आपको ऐसा फील होगा कि इनका रहना ही मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा, मतलब मेरी किस्मत की बात है कि ये इंसान है मेरे पास, क्योंकि इनके रहने से ही आपको सब हासिल होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए एक लकी चार्म की तरह भी होंगे। सो इनकी लव लैंग्वेज ये होगी कि चाहे आप जो भी करना चाहेंगे लाइफ में, अगर आपकी छोटी सी भी विश होगी, उसे ये पूरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग, आपने उन्हें नॉर्मली बताया कि यार मेरा ना ऐसा मन था ऐसा बिजनेस करने का बहुत साल पहले, बट फिर मैंने छोड़ दिया, भूल गई थी मैं। आप देखोगे नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को करना शुरू कर देना, आपको बोले कि लो चलो स्टार्ट करो इस बिज़नेस को, ठीक है, और कुछ मदद चाहिए तो बता देना। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक जो करना चाहोगे दे विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी लव लैंग्वेज और एक होगी कि नो मैटर आप कितने लाइफ में सक्सेसफुल होगे, कितना पैसा कमाओगे, कितना ज़्यादा आप लाइफ में अचीव करोगे, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको यू नो खुद से कुछ करने नहीं देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग में जाना चाहते हो, ठीक है, और आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने पैसों से अपने अर्निंग से कुछ खरीदना चाहते हो, ये पर्सन किसी भी हाल में आपको अपने पैसे से नहीं खरीदने देंगे, ठीक है। तो ये इनका लव लैंग्वेज होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट उनका ऐसा रहेगा कि मेरे लाइफ में आए, मेरी जो लाइफ पार्टनर है उनको मैं सारी खुशियाँ दूंगा या दूंगी, एंड उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए टू जेड, चाहे अगर वो अफोर्ड भी कर सके या कर भी सके इजीली, तब भी उसे मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, ठीक है। तो ये इस पर्सन की साइकोलॉजी है। तो ये पर्सन आपको कुछ करने नहीं देंगे गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना घर का काम करने देंगे, ठीक है, ना बाहर का काम करोगे तो भी उसमें आप खुश हो इस वजह से वो करने देंगे आपको, लाइक आपका जॉब बिजनेस। एंड उसके अलावा वो सब चाहेंगे कि आप यू नो उनसे मांग लो या उन्हें बता दो तो वो कर देंगे, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चाहिए आप बस इन्हें बोलो। तो बहुत लविंग पर्सन है गाइज, मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपको पूरा पूरा एक बेबी की तरह आपका ख्याल रखेंगे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है कि बच्चे को कब क्या ज़रूरत है, कब क्या चाहिए। माँ के पास ना हो तब भी माँ कहीं ना कहीं से ज़रूर लेकर आती है वो चीज़ बच्चे को खुश करने के लिए, तो सेम आपके हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं। उनके पास हो ना हो, वो ज़रूर आपके कदमों में वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे जो आपके दिल में चल रहा है या जो आप चाह रहे हो, ठीक है। सो यू आर वेरी लकी गाइस, ओके। सो चलिए हम कुछ और भी देख लेते हैं आपके पर्सन की आउटर अपीयरेंस के बारे में। अगर हम बात करें तो इस पर्सन की जो हाइट होगी वो मीडियम होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होंगे, चाहे जेंडर कुछ भी हो। इनके बियर्ड होंगे, ठीक है, कभी कभार ये गॉगल्स पहनते होंगे, इनके आँखों में पावर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये फॉर्मल्स वेयर करते हैं, ओके। एंड इनके बहुत फाइन आईब्रोज होंगे, नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प होगी, ठीक है, वेवी हेयर्स होंगे इनके, ठीक है, वेवी कर्ल, लाइट कर्ल्स, वेवी हेयर्स होंगे इनके, नेचुरल जो टेक्सचर है, ठीक है। कम्प्लेक्शन इनका फेयर भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, इट विल डिपेंड, ठीक है। एंड जो फिजिक है वो नॉर्मल, बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं एंड बहुत ज़्यादा चबी साइड में भी नहीं, एकदम नॉर्मल फिट बॉडी, ठीक है, जो एथलेटिक बॉडी होती है लीन एंड फिट, वैसे आपके पर्सन की बॉडी होगी, ओके। या सो ये चीज़ें दिख रही है, चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, लेट्स चेक। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया है R, देन Z, देन N, देन O, देन D, देन J, देन M, देन B, देन E।
ओके ये बहुत टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है, मल्टीपल स्किल्स इनके हो सकते हैं, लाइक डांसिंग करना आता है, गाना गाना भी आता है, पेंटिंग करना भी आता है, यू नो स्टोरीज लिखने भी आते हैं, इस तरीके के। तो ये जो लेटर्स हैं RZNODJMBE, ये इस पर्सन के नेम के इनिशियल या सरनेम के इनिशियल या जिस सिटी किसी जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का इनिशियल कुछ भी हो सकता है, तो इसे आप लिख कर रख सकते हो। ओके हो सकता है कि इनको यू नो ये DJ भी थे कभी अपने लाइफ में, या कभी इन्होंने सीखा हो, ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके एंड नॉट नेसेसरीली बट येस, प्रो प्लेयर एंड ग्रेमर, तो ये पर्सन एथलीट भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली भी हो सकता है ये खेलते हों, एंड वेरी वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। सेंसिटिव सोल, अंदर से बहुत सेंसिटिव होंगे, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, थोड़े शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव, केयरिंग, एम्पथेटिक पर्सन होंगे। ओल्ड स्कूल लवर, वेरी एक्सप्रेसिव, काइंड एंड कंपैशनेट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मन में बात होगा बोल देंगे, लेकिन कम बात करते होंगे, ज़्यादा इनको एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं है। ओल्ड स्कूल लवर होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करना, रोजेस देना, लेटर्स लिखना, लाइक ओल्ड स्कूल जो होता था पहले के टाइम पे, छोटे छोटे गिफ्ट्स देना, ये सब इनको बहुत पसंद है। कंपैशनेट पर्सन है, करुणामयी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर फीमेल होंगी तो, अगर मेल होंगे तब भी आपके दुख दर्द को, लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे, दिल के साफ इंसान। ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन बहुत ज़्यादा सच्चाई बोलने वाले इंसान, जो सच खुद भी बोलेंगे एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो यू नो कोई टेंशन नहीं होगा कि कुछ छुपा रहे हैं, कुछ जो भी होगा वो बता देंगे आपको, कुछ गलत भी होगा तब भी वो आपको बता देंगे आकर, ठीक है। आप उनके बेस्ट फ्रेंड होंगे, लव्स टू सिंग, अगेन ये आप, इनको बहुत ज़्यादा गाना गाना पसंद होगा, ठीक है, या म्यूज़िक से जुड़े हुए होंगे। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। हाँ एंड इनिशियल टाइम पे हो सकता है कि म्यूज़िक के थ्रू भी आप दोनों की कनेक्टिविटी हो सकती है, लाइक कोई म्यूज़िक का काम है या कोई म्यूज़िक के ऊपर प्रोजेक्ट है या कुछ ना कुछ, उससे भी आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, ठीक है। एंड आप दोनों की मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि ऑनलाइन अचानक से कैजुअली मिल जाओ एंड देन फिर चीज़ें आगे बढ़ें, ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ज़्यादातर मुझे लग रहा है इधर आपके काम के सिलसिले में आप मिलोगे इनसे या फिर आप ऑनलाइन मिलोगे, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर नॉर्मली या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी लोगों के थ्रू, ये सब तरीके से आपकी मुलाकात नहीं होगी, आप दोनों एक दूसरे से यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग ही मिलोगे एंड ऑटोमेटिकली ही मिल जाओगे, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोनों को लव लाइफ स्टार्ट करवाने के लिए मिलवाना पड़े, एंड ये लव मैरिज ही होगी आपकी, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो गाइज़ यहाँ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, तो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के प्रोडिक्शन में मैं ज़रूर बनाऊंगी कि ये पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी और शादी का दिन कैसा होगा, लाइक मैरिज डे, वेडिंग डे, वेडिंग के बाद वाला दिन कैसा होगा, सब कुछ डिटेल में। सो या स्टे ट्यून्ड, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप टू। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Queen of Swords. We have Eight of Pentacles. We have Six of Pentacles. Okay. Great.
तो कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करा होगा, स्ट्रगल्स करा होगा, बहुत ज़्यादा धक्के खाए होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन ऑर्फन हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की अगर फैमिली भी होगी तो होगी तो हो सकता है उतने ज़्यादा सपोर्टिव ना हो। तो इन्होंने बहुत मेहनत करा होगा लाइफ में कुछ करने के लिए, या यू नो जॉब पाने के लिए, अपना कुछ अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए बेसिकली। तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया होगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बाहर से ये पर्सन आपको बहुत कठोर एंड बहुत रूड नज़र आ सकते हैं इनिशियल टाइम पर। हो सकता है कि आप इस पर्सन को नापसंद भी करो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप दोनों की बॉन्डिंग बननी शुरू होगी या फिर जब आप दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे तो चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी। बट इनिशियली मुझे लग रहा है कि आपका इंप्रेशन इनका इंप्रेशन आपके ऊपर उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। ये पर्सन आपके सीनियर या फिर आपके हेड वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। ये जो भी पर्सन है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन भी हैं। ये पर्सन किसी न किसी तरीके के सोशल वर्क में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, और ये अपना जो अर्निंग है उसके 30-40% डेफिनेटली ये डोनेट करते होंगे, डेफिनेटली ये यूटिलाइज़ करते होंगे ताकि ये लेस फॉर्चुनेट्स की मदद कर सकें, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रगल, जो दुख देखकर वो बड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो दुख दूसरे लोगों को ना देखना पड़े, जो लोग हो सकते हैं उनकी तरह ही लाइफ जी रहे हों पास्ट वाली, ठीक है। तो वो उन लोगों को मदद करते हैं ताकि वो स्ट्रगल से बाहर निकल के आ पाएँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पर्सन मुझे दिख रहे हैं, हार्ड वर्कर पर्सन नज़र आ रहे हैं, और जिनको ज़्यादा तरक्की से, ज़्यादा पैसे कमाने से मतलब नहीं है। आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे जिनको इस दुनिया में, सोसाइटी पे कुछ नाम छोड़कर जाना है, वो इस सोसाइटी में, इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करके जाना चाहते हैं जिसके वजह से लोग उन्हें याद रखें, उनके अच्छाई के लिए लोग उन्हें याद रखें। तो मुझे यह नज़र आ रहा है कि यह पर्सन पैसों के पीछे भागने वालों में से नहीं है। इनका ऐसा है कि जितना भी पैसा मुझे मिले, मैं कमा सकूं, उसका आधा मैं कुछ यूज़ कर सकूँ, यूटिलाइज़ कर सकूँ ताकि मैं दूसरों के ज़िंदगी में खुशियाँ दे पाऊँ, और आधा मैं अगर खुद 3 वक्त की रोटी भी खा पा रहा हूँ या खा पा रही हूँ तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो इस पर्सन की माइंडसेट थोड़ी अलग तरीके की होगी एंड बहुत अच्छी मैंटेलिटी दिख रही है, क्योंकि ऐसी मैंटेलिटी कितने लोगों की होती है, ठीक है, और ऐसी अगर मैंटेलिटी है जहाँ पे वो अपने आप के बारे में उतना ना सोचकर इस सोसाइटी के बारे में, जो लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इनसे अच्छा इंसान और कोई हो नहीं सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि कहीं दूर से आपके लाइफ में आए, लाइक आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बने, या फिर ये पर्सन बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करें, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके काम की वजह से, या फिर इनका शौक हो घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कहीं दूर के हैं, आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह से या उस सिटी से, उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है, इनको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं होगा अगर ये फीमेल होंगी, बहुत सिंपल लिविंग, सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल ग्रूमिंग, अगर मेल भी होंगे तो भी सिंपल तरीके से रहना, सिंपल ड्रेस, सिंपल, ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे भागना या ज़्यादा शो ऑफ करना, ज़्यादा ग्रूमिंग पे ध्यान देना, ये सब में ये ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये सिंपल लिविंग में फोकस करते हैं कि पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए बस, ठीक है, और दिन चल जाना चाहिए, ऐसे माइंडसेट के हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो दे आर वेरी मच सिंपल एंड सोबर काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कि इन्हें लगता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें, शो ऑफ करके, ग्रूमिंग करके एज सच कुछ होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप इनके अंदर में झांक कर देखो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली आप हो सकते हैं इनको नापसंद करो, आपको अच्छे ना लगे ये इंसान, लेकिन जब समय बीते, जब आप इनकी अच्छाई के बारे में, इनके अच्छे पर्सनालिटी के बारे में, हेल्पफुल एनर्जी के बारे में जानो, तब आपको इनसे प्यार हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो दे आर वेरी मच लविंग पर्सन, ठीक है, और खुद के पहले जब बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि शादी के बाद भी वो अपने बारे में सोचने से पहले आपके बारे में ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपको किस चीज़ की नीड है, आपको क्या चाहिए, आप किस में खुश हो, और वो आपके अकॉर्डिंगली सब करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मन है कहीं घूमने जाने का, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्यों जाना है, मेरा आज मन नहीं कर रहा, वो टायर्ड भी होंगे तो आपको लेकर जाएंगे क्योंकि उसमें आपकी खुशी है। अगर आप उन्हें कुछ चेंज करने बोल रहे हो, जैसे कि तुम कपड़े चेंज करो या तुम कुछ न्यू स्टाइल अपनाओ, तो वो अपनाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे, बेसिकली आपकी बात सुनने वालों में से होंगे। ये डिबेट वगैरह नहीं करेंगे कि मुझे नहीं करना या मेरी लाइफ अलग है, मुझे यही करना है। आप उन्हें जो बोलोगे आपकी खुशी के लिए, अगर वो पॉसिबल होगा, वो ज़रूर आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो आपकी केयर बहुत करेंगे, बहुत केयरिंग पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी मेन एट्रीब्यूट मुझे दिख रही है कि ये बहुत केयरिंग होंगे, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे।
इनका फेस राउंड फेस कट होगा इनका, ओके, फिजिकल अपीयरेंस में मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनके हेड में बाल थोड़े से कम होंगे, ठीक है, थिनिंग ऑफ हेयर इनके पॉसिबल है, या जेनेटिकली हो सकता है कि इनके कम हेयर्स हों, ठीक है। एंड मेल होंगे तो इनके बियर्ड डेफिनेटली होंगे, फीमेल होंगी तो मुझे लग रहा है कि इनके कलर्ड हेयर्स होंगे या नेचुरली इनके ब्राउन हेजल हेयर्स हो सकते हैं, कलर्ड आइज हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। प्यूपिल का जो कलर है वो कलर्ड हो सकता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ठीक है, एनीथिंग। थोड़े से चबी साइड में होंगे ये पर्सन अगर ये फीमेल है तो, अगर ये मेल होंगे तो चबी, चबियर प्लस मैस्कुलर, यानी कि मसल्स भी होंगे और बॉडी में फैट भी होगा ऐसा दिख रहा है। बहुत सिंपल ड्रेसिंग में रहते होंगे, नॉर्मल तरीके से, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करते होंगे, ज़्यादा गहने वगैरह पहनना नहीं पसंद, ज़्यादा ज्वेलरीज एक्सेसरीज पहनना नहीं पसंद, ठीक है। मेल होंगे तो ज़्यादातर कैप वगैरह वेयर करते होंगे, ठीक है। फीमेल होंगी तो भी मुझे दिख रहा है कि कैप, दुपट्टा, शॉल्स ये सब हेड के ऊपर रखने, मतलब रखती होंगी ज़्यादातर, इनका वो स्टाइल होगा, ओके। वी हैव अप्रिसिएशन नंबर 15, वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले तो आपको दिल से एक्सेप्ट करेंगे, इनकी लव लैंग्वेज ये होगी कि आप जो भी करोगे उसे उसमें वो आपको इनकरेज करेंगे, कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये यू नो मैंने सोचा नहीं था, तो मेरे पार्टनर कैसे कर सकती है, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपके डिफरेंसेस को या फिर आपके यूनिक चॉइसेस को वो दिल से अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ना उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो कभी आपको नज़र नहीं आएगा कि यह इंसान यू नो आपके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं या फिर आपको मना कर रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कोई चीज़ को बदलने के लिए जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। तो दिस पर्सन विल अप्रिशिएट यू अलॉट अलॉट, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड उसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके सबसे बुरे वक्त पर आपका साथ देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी डेटिंग भी इसी तरीके से शुरू हो कि पहले आप इन्हें नापसंद करो, लेकिन आपके बुरे वक्त के वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी कोई मदद करेंगे, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से। एंड उसके बाद से आपको समझ आ जाए कि अच्छे दिखने वालों में से, या फिर यू नो बहुत लैविश लाइफ जीने वालों में से, या बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीने वालों में से वो लोग अच्छे होंगे जिनके पास दिल है, जो लोगों को समझना जानते हैं, जो कि केयर करना जानते हैं, जो कि आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। तो तब जाकर हो सकता है कि आपका प्यार मोहब्बत शुरू हो, ठीक है। ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है, जो भी काम करते होंगे अच्छा खासा कमाते होंगे, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर की खूबसूरती। एंड तब जब आप इनके केयरिंग नेचर को यू नो डिस्कवर करोगे, तब आपके दिल में इनके प्रति वो इमोशंस, वो प्यार जागेगा। तो एक फिल्मी लव स्टोरी आई कैन से कि आप दोनों के बीच में होगा, ओके, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है, एंड हमेशा आपके मेंटल स्टेट की ज़्यादा कदर करेंगे। आपको हमेशा दिखेगा कि शादी के बाद ये हमेशा आपको पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आपका मूड भी ऑफ है तो वो बार बार आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, मुझे बताओ, ठीक है, अपने अंदर तक मत रखो। तो हमेशा वो मेक श्योर करेंगे कि आपके दिलो दिमाग में कोई टेंशन ना पले, ठीक है, और कोई टेंशन पले भी तो आप उन्हें शेयर करो, वो टेंशन फिर आप दोनों की हो जाए, बल्कि आपकी अकेले की ना रहे। तो दिस पर्सन विल बी वेरी मच केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स यू, बहुत प्यार करेंगे आपको, ओके, बहुत खुशी से रखेंगे आपको। मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ तुझ में रब दिखता है, तो सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, ठीक है। तो वैसी वाली सीन है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, आपको ज़रूर नज़र आएगा कि ऐसा इंसान आपको पहले कभी नहीं मिला था, जो कि आपके सुख दुख में खड़े हैं, और तब सबसे ज़्यादा खड़े हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी के साथ की। ओके, सबसे पहले हैं लेटर्स में W, देन वी हैव V, वी हैव N, वी हैव F, वी हैव U, वी हैव K, वी हैव Z, वी हैव A, वी हैव L। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉस एंजलिस से भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं, बट येस इट कैन बी पॉसिबल। न्यूजीलैंड से हो सकते हैं, अफ्रीका से हो सकते हैं, लाइक रहते होंगे बेसिकली, NRI वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है W, V, N, F, U, K, Z, A, L, Q।
ठीक है, तो ये उनके नेम के फर्स्ट लेटर, उनके सर नेम के फर्स्ट लेटर, या जहाँ रहते हैं उस सिटी उस स्टेट का इनिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख कर रख सकते हो ताकि आप बाद में याद रख सको। कुछ स्पेशल ट्रेड्स देख लेते हैं। डार्क एंड स्वीट, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की कम्प्लेक्शन डार्क हो सकती है एंड इनका बिहेवियर बहुत स्वीट एंड बहुत नर्चरिंग वाला हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक लवर, गाना सुनना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, या गाना गाना भी। लव्स टू डांस, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, ट्रेन डांसर भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको डांस करना बहुत पसंद है, ठीक है। योर ट्रू लवर, आपके सच्चे प्रेमी होंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको। लव्स टू वॉच सीरीज़, इनको सीरीज़ देखना मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़े मूवी लवर हों या सीरीज़ देखना बहुत पसंद है, एक्टिंग लाइन में भी हो सकते हैं, एक्टिंग करना भी पसंद हो सकता है। ब्यूटीफुल वॉइस, वॉइस इनकी बहुत अच्छी होगी, अगर मेल होंगे तो बहुत हेजी वॉइस होगा, डार्क वॉइस, यू नो, अट्रैक्टिव वॉइस, और अगर फीमेल होंगी तो मुझे लग रहा है बहुत स्वीट एंड बहुत काम सूदिंग वॉइस इनकी होगी, ओके। सो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, एंड इनको इनको पाकर डेफिनेटली आपको फील होगा तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे, इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन इन अ पॉजिटिव वे आपके लाइफ में बहुत 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 रहेगा। तो आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे भगवान से, क्योंकि देखिए जो यू नो लाइक नाम है, शहरत है, पैसे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आना जानती है, जाना भी जानती है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। लेकिन कोई अगर इंसान आपको ऐसा मिल रहा है ना, जो कि देखिए पैसे एक ऐसी चीज़ है या तरक्की ऐसी चीज़ है जो आप खुद भी कमा सकते हो, लेकिन लॉयल्टी, लव, केयरिंग, कोई ऐसा इंसान जो कि सच में आपकी कदर कर रहा है, जानना चाह रहा है या जानना चाह रही है कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा बीत रहा है, एंड वो आपके अप्स एंड डाउन्स में खड़े हैं, तो वो आप नहीं कमा सकते हो, ठीक है, वो आप मेहनत करके भी आप नहीं पा सकते हो, वो किस्मत की बात होती है। लेकिन पैसे वगैरह जो चीज़ है वो आप मेहनत करके भी कमा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा इंसान जब आपको मिलेगा ना, तो आपको टाइम लगेगा इस इंसान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, इस इंसान को प्यार करने के लिए, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना कि ऐसा इंसान दुनिया में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ठीक है, पैसे वाले, गुड लुकिंग, या ऑल दो ये पर्सन अच्छे दिखेंगे, मैं ऐसी बात नहीं करूँ, मैं जनरली एक गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली गुड लुकिंग होंगे, ऑल दो सिंपल होंगे, ज़्यादा कुछ करते नहीं होंगे, बट स्टिल दे विल लुक गुड बिकॉज इनका दिल बहुत साफ है, और जब आपका दिल साफ होता है ना, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट ग्लोइंग, आप ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत होने लगते हो, ठीक है, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, ठीक है, चाहे आप कितना भी मेकअप लगा लो, चाहे आप कितना ग्रूमिंग करो, कितने ट्रीटमेंट्स कर लो, लेकिन अगर आपका मन में नेगेटिविटी भरी है, मन में गंदगी भरी हुई है, तो आप खूबसूरत कभी नहीं लग सकते हो दूसरों को। जब आप दिल से अच्छे लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप सुंदर बन जाते हो, ये रियलिटी, एक फैक्ट है, ये बस कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ओके। सो या गाइस, यू आर वेरी मच लकी कि आपको लविंग पर्सन मिलेगा। सो या, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट प्रेडिक्शन में बनाऊंगी कि आपकी शादी कब होगी, शादी वाला दिन कैसा होगा, वेडिंग डे के बाद वाला दिन कैसा होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन होगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।